भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव लगातार मिलते जा रहे हैं, जिस तरह से कंटेनमेंट बाउंड्री जो है उस इलाके में जितने भी इमारतें और जो मकान आ रहे हैं उसे लगातार जो है सील किया जा रहा है। और हमारे साथ यहां पर जो है मनपा के अधिकारी धनंजय गोसावी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, कल से जो है यहाँ पर जो है सील किया जा रहा है, इमारत और मकान सील किया जा रहा है, तो अब तक जो है कितनी इमारत और मकान को सील किया है? 37 सील किया था अपन, और आज अपनी ये एरिया के 17 बिल्डिंग गई, अपनी कंटेनमेंट की बाउंड्री बढ़ गई। क्योंकि पहले जो शबनम थी ना, शबनम से अपन 250 मीटर गिना था, मगर अभी ये 13 बिल्डिंग मिल गई तो उसकी बाउंड्री उधर तक आ गई। सोनाजी नगर, आधा सोनाजी नगर आ गए, तो फिर से आप उनसे कल मेडिकल ऑफिसर से पूछा, वो हिसाब से उनको बताए, तो उन्होंने एक लिस्ट दिया अपने को। तो ये भी बिल्डिंग 17 बिल्डिंग आ रही है अपनी, इसके लिए अपन पूरा लॉकडाउन करने के लिए, लोग उतरे नहीं नीचे, उनको सब सुविधा जो है वो अपन जगह पे दे रहे हैं। टोटल कितने इमारतें हो जाए? ये 38 और ये 58 बिल्डिंग हो जाएगी। गोसावी साहब, अब तक मुंब्रा में जो है कोरोना पॉजिटिव के जो है संक्रमित कितने लोग पाए गए? ये आसिफ की जो बिल्डिंग है उसमें से 4 है फैमिली मेंबर, और वो एक 5, और शबनम के वो एक मेंबर खुद और उसके फैमिली में के 4 मेंबर, 4 × 4 = 8 और 2 = 10 हो गए, और 10 और एक मिला ना, 11 लोग हो गए। 11 यानी टोटल 11 लोग जो है संक्रमित पाए गए। इनके परिवार में से जो और लोगों को ले जाया गया था चेक करने के लिए, तो इन लोगों की रिपोर्ट क्या आई? ये 4 लोगों की पॉजिटिव आई, और उधर के 4 लोगों की पॉजिटिव आ गई, और पहला जो था विघ्नहर्ता का उसकी निगेटिव आई। हाँ सर, 4 × 4 = 8 लोगों की पॉजिटिव आई। तो अभी जिस तरह से लॉक किया जा रहा है, जो इमारतें हैं जिनमें दरवाजे नहीं हैं, तो उन दरवाजों पे बात सामने आ रही थी कि आप पत्रा लगा कर सील करेंगे, लेकिन अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर पत्रा। हाँ, पत्रा लगा के सील करने का काम अभी से चालू हो जाएगा, क्योंकि मालूम नहीं ना अपने को कौन से सोसाइटी को गेट है या नहीं, तो अब हम साथ साथ सर्वे कर रहे हैं कि ये सोसाइटी को गेट नहीं है तो उनको पत्रा मारने का। तो अभी अपन नंबर ऑफ पत्रा कितना मारने का वो अपन कैलकुलेट करेंगे, और अभी पत्रा मारने का काम चालू हो जाएगा फिर। तो जिस तरह से ये लॉक किया जा रहा है, तो ये कितने दिन के बाद इनकी इमारतें और जो मकान सील किया जा रहा है कितने दिन बाद खुलेगा? ये लॉकडाउन तक तो पूरा पक्का रहेगा। अभी लॉकडाउन इंक्रीज हो गया तो इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कोई समय सीमा नहीं है। हालात सुधरने के बाद, हालात सुधरने के बाद में अपन जरूर निकालेंगे, मगर जब तक गवर्नमेंट के हिसाब से हालत नहीं सुधरेगी, अभी तो अपना रेट बढ़ रहा है, अपन बहुत संकट में आ गए, तो इसके लिए अभी ये लॉकडाउन तक तो पक्का रहेगा ये ऐसे। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी मनपा के, उन्होंने जानकारी दी कि जो इमारतें यहाँ पर सील की जा रही हैं उन्हें कोई ऐसी समय सीमा नहीं है कि ये कब खोला जाएगा। जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते, जब तक स्थिर नहीं हो जाते, तब तक नहीं खोला जाएगा। और जिस तरह से मुंब्रा में कोरोना पॉजिटिव की जो बात सामने है, वो अब तक 11 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, मनपा के अधिकारी इसकी जानकारी दी है। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।